गति समय की होती है, काल की नहीं। काल स्थिर है, जो घूमता नहीं घुमाता है। आपके कर्मों को गति देता है समय, जिसकी चाल दोहरी है। कर्मों का आना और जाना दोनों की गति निर्धारित करने वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता। शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में आयोजित धर्म सभा में आचार्य भगवंत विद्यासागर गुरुदेव ने कर्मों के आश्रव और निर्जरा के क्रम और उसकी गति के बारे में समझाया। काल का दूसरा नाम समय भी माना जाता है। जिस तरह घड़ी एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, उसी प्रकार समय रहते समय के सार को समझने वाले जीव ही कर्मों की गति को रोककर कालांजयी बन जाते हैं। शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में आयोजित धर्म सभा में आचार्य श्री ने श्रावकों को काल और समय के भेद विज्ञान को समझाते हुए जीवन भर सचेत रहने की प्रेरणा दी। काल घूम रहा है या काल के निमित्त से हम घूम रहे हैं, ये बताना बहुत कठिन है। हम इसको नहीं समझते। जो जहाँ है वो वहीं रहता है, काल घूमता नहीं। नहीं महाराज, आपके सामने तो घड़ी रखी है और वो घूम रही है, तभी तो आधा घंटा हो जाता, 15 मिनट हो जाते हैं। नहीं, ये घड़ी में कांटा घूम रहा है, इसको भी मानता हूं मैं, जो पुतगल की पर्याय मानी जाते। किंतु इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ये ज्ञान होता है, ये कांटा अपने आप ही क्यों नहीं घूमता। जैन संत का जीवन दर्पण के समान होता है, जिनके आचरण पर कोई आवरण नहीं। ऐसे संत जब प्रवचनों के माध्यम से धर्म का मर्म समझाते हैं, तो श्रोता भी उनकी बात को सीख समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती हैं। जैन फोकस के लिए शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ से ब्यूरो रिपोर्ट।